गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। टुडे आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इट इज़ लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। सी व्हाट विल आई टीच यू इन दिस चैप्टर, लेट अस हैव अ लुक। Every entrepreneur has to take a strategic decision about the form of business in which the business is to be incorporated. इसका मतलब है कि हर एक entrepreneur को ये देखना रहता है कि किस फॉर्म का बिजनेस वो बनाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। Each form of business has its distinct structure एंड रिलेटिव फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट्स। हर एक व्यापार की अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, बनावट अलग अलग रहता है, अलग अलग होता है। इट इज़ द इंट्रोडक्शन। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी, जो हमारे भारतीय समाज में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 नॉर्म्स। दे आर इन 5 वेज, इन 5 नॉर्म्स, इन 5 नेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोल प्रोप्राइटरशिप। सी व्हाट हैपन्स इन दिस, द ओनर रिमेन्स अलोन, टोटली अलोन। पार्टनरशिप, वैन टू और मोर पर्सन्स दे ज्वाइन टूगेदर दे फॉर्म बिजनेस, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इन दिस वॉट हैपन्स, जैसे जो हमारी बहुत पुरानी पुरानी दुकानें हैं, वो ही उसके मालिक रहेंगे, वो ही उस व्यापार को आगे चलाएंगे। एज यू कैन सी द शॉप्स विच आर इन योर सराउंडिंग, पहले दादा ने दुकान संभाला, फिर डैडी ने, अब डैडी का बेटा। इट इज़ लाइक दिस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मीन्स व्हेन सम पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म सम कोऑपरेटिव सोसाइटी, द एम ऑफ दोज कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज जस्ट द वेलफेयर ऑफ द कस्टमर। दे डू नॉट अर्न एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट्स, इट इज ओनली just created for the betterment, for the welfare of the customers. Joint stock company, it is the biggest, largest form of business organization in India. In joint stock company, shares and debentures they are issued. In sole proprietorship, partnership, the shares cannot be issued. बिकॉज इन सोल अकेला हमें काम करना है। इन पार्टनरशिप देयर कैन बी मोर देन टू पार्टनर्स इन अ बिजनेस। देन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो भी हमारा पुश्तैनी व्यापार चलते आ रहा है, दैट इज नोन एज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर दो सोसाइटीज इन विच पीपल कम टूगेदर for the purpose of not earning the profits but to give satisfaction, but to make the things available at reasonable rates to its members, to its customers. Joint stock company, when you want to form a very very big organization, in that case. So now let us move on to next slide. Sole proprietorship. In first topic that I have taken, that is sole proprietorship, and in this topic we will discuss in detail sole proprietorship. The sole proprietorship is the simplest form of business organization. It means it is not it, to form this organization, this type of प्रोप्राइटरशिप, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, बहुत आसानी से बन जाता है। विच कैन बी ऑपरेटेड ईजीली, जिसको जिस पर हम काम आसानी से कर सकते हैं। द सोल प्रोप्राइटरशिप
इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी ऑपरेटेड इजीली, विच कैन बी हैंडल्ड इजीली, विच कैन बी वर्कड अपॉन इजीली. मोस्ट ऑफ द शॉप्स इन आर लोकल मार्केट्स हैव सिंगल ओनरशिप. सी, देयर कैन बी शॉप ऑफ ब्रेड, बटर, एग्स, स्टेशनरी और क्लॉथ्स, शूज, वट एवर. These shops, they generally remain in the form of sole proprietorship. Sole माने अकेला. Now see, single ownership or sole proprietorship it is say. They run at a small scale. They do not invest money in crores. It remains, their operation remains at a small scale. Sole proprietor form of business is mainly popular for the businesses that involve personalized services such as tailor shops, stationery shops, etc. There is one more thing. There is some variety of jobs. Those can be handled alone easily, in which you do not need any partner. Means you can have partner, but that can be handled easily also. Sole proprietorship, see what is happening. Wherever we need personalized services, you will always find those shops in the form of sole proprietorship. As you can see, the barber shop. Again, barber shop is also in the form of sole proprietorship, single ownership. See, it is the meaning of sole proprietorship. The word sole means alone, only, and proprietor implies owner. It means only owner. The word sole means only, and the proprietor implies owner. A sole proprietorship form of business organization is owned, managed, and controlled by an individual who is the recipient of all the profits and bearer of all the risks. If any person is handling his or her business alone, then he will have to look after everything. It can be management, it can be financial matter, it can be any matter. Any matter, each and every matter will be handled alone by him. A sole proprietorship form of business organization is owned, managed and controlled by an individual. When that person is doing business alone, he will enjoy the profits also again. He will have to bear all the risks alone. And risk bearers always they get profits. It is very true. Not always, but most of the times they get profits after taking the risks. Definition. Under the sole proprietorship form or ownership, a single individual organizes, has title to and operates business in his own name. उसके पास अपना टाइटल बनाने की बिल्कुल प्लेस है. सारे व्यापार को वो अकेला ही चलाएगा. Under the sole proprietorship form of or ownership, a single individual organizes, has title to, उसके पास टाइटल रखने का पूरा राइट रहता है, and operates the business in his own name. Sole proprietorship form of business organization is more suitable. It is more suitable for a grocery store, राशन के किरियाने की दुकान, medical store, you people know, and internet cafe, etc. There are few examples that I have given. They can be more because these types of businesses are usually carried on small scale. They do not need any type of big platform. With small money, these businesses can be started. The capital investment required are relatively less and degree of risk involved is low. See,
अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस. व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज वेरी लार्ज, वेरी बिग, देन द रिस्क ऑल्सो विल बी वेरी बिग. बट हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोल प्रोपराइटरशिप. द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस विल नॉट बी वेरी मच. इट मीन्स वेन इन्वेस्टमेंट्स आर लेस, डेफिनेटली द डिग्री ऑफ रिस्क ऑल्सो विल रिमेन लेस, विल रिमेन लो. नाउ मूव ऑन टू फीचर्स ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप. फीचर्स ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप. पॉइंट नंबर वन, फॉर्मेशन एंड क्लोजर. इट इज रिलेटिवली ईजी टू स्टार्ट अ सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस एज देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इन जनरल. ओनली अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस. सी, इस व्यापार को शुरू करना और बंद करना दोनों ही आसान है, मुश्किल नहीं है. देयर आर ओनली फ्यू फॉर्मेलिटीज दैट आर टू बी डन. हाउएवर इन सर्टेन केसेस अ लाइसेंस मे बी रिक्वायर्ड. बिसाइड्स द क्लोजर ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. सेकेंड नंबर, लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोपराइटरशिप इज अनलिमिटेड. एज अ रिजल्ट द पर्सनल एसेट्स ऑफ अ सोल प्रोपराइटर कैन बी सोल्ड टू सेटल द क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशियंट. नाउ लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. Unlimited liability means when the assets of the business they fall less in the payment of, for if you have to taken any loan or anything, when you are not in position to pay off your liabilities, in that case what is done, your own assets are sold off. जब आपकी संपत्तियां कम पड़ती हैं उधार चुकाने के लिए, इन दैट केस योर पर्सनल एसेट्स विल बी सोल्ड आउट. इट मीन्स इन सोल प्रोपराइटरशिप द लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोपराइटर इज अनलिमिटेड. इन केस द अमाउंट द मनी फॉल्स लेस, they will have to sell their own personal assets. Third number, sole risk bearer and profit recipient. Because he is sole owner, being the sole owner of the business, the success or the failure of the business will have a direct bearing on the sole proprietor. Listen. If he earns a loss, who is responsible? Sole owner is responsible. If he enjoys more and more profit, who is going to enjoy? Again, it is the sole owner. On one hand, the sole proprietor assumes the risks of the failure of the business all alone. And on the other hand, he also enjoys all the benefits of the success of the business. यानी कि एक साइड, ऑन वन हैंड माने एक तरफ वो रिस्क को बियर करता है तो एक तरफ वो सारे प्रॉफिट्स को भी इंजॉय करता है. ऑन वन हैंड द सोल प्रोपराइटर एज्यूम्स द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस ऑल अलोन एंड ऑन द अदर हैंड ही इंजॉयज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द सक्सेस ऑफ बिजनेस. दस व्हाट कैन बी सेड, दस ही इज द sole recipient of profits during good times and sole bearer of loss during adversities. Pareshaniyon ke waqt mein he will have to bear loss, good times ke waqt mein he will have to bear
ऑल प्रॉफिट्स, ही विल रिसीव ऑल प्रॉफिट्स. कंट्रोल. द सोल प्रोपराइटर एंजॉयज अ सेंट्रलाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंट्रलाइज. सेंट्रलाइज का मतलब है कि जब हम कोई एक ही पर्सन होगा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर देगा. मीन्स इफ दैट पर्सन इज एबसेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट आस्किंग फ्रॉम दैट पर्सन. और यहाँ पे तो वो अकेला ही है, जब अकेला है तो सारा का सारा काम सेंट्रलाइज हो गया. द सोल प्रोपराइटर इंजॉयज अ सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस. इट मीन्स डिसीजन ही विल टेक. वट एवर वर्क इज टू बी डन ही विल थिंक. विच वर्क विल बी गिवन टू विच पर्सन ही विल थिंक. इट मीन्स द सेंट्रलाइज कंट्रोल विल रिमेन इन द हैंड्स ऑफ सोल प्रोपराइटर. द पावर ऑफ टेकिंग ऑल द डिसीजन्स, वट एवर द डिसीजन हैज टू बी टेकन, इट विल बी टेकन बाय सोल प्रोपराइटर ओनली. एंड रन द बिजनेस लाइज इन द हैंड्स ऑफ सोल प्रोपराइटर. ऑल द डिसीजन हाउ टू रन द बिजनेस, एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी, इट रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ सोल प्रोपराइटर. नो सेपरेट एंटिटी. फाइव नंबर पॉइंट, नो सेपरेट एंटिटी. एज इन द आईज ऑफ द लॉ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस. मीन्स दे आर नॉट सेपरेट, बोथ आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी. बोथ आर सेम, बोथ आर वन. कॉन्सिक्वेंटली द सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज नो सेपरेट एंटिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल इट्स एक्टिविटीज इज वेस्टेड इन द सोल सोल प्रोपराइटर. यानी कि जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो सारे की सारी सोल प्रोपराइटर की रहेंगी, जो दुकान को चला रहा है, उस व्यापार को चला रहा है, उसकी रहेंगी. मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट बिजनेस एंड बिजनेसमैन. फिफ्थ नंबर पॉइंट, नो सेपरेट एंटिटी. सिक्स्थ नंबर, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी. एज यू पीपल नो दैट सोल प्रोपराइटर ही इज द अलोन पर्सन हु इज रनिंग हिज बिजनेस. इफ एनी मिस हैपनिंग हैपन्स विद हिम, इन दैट केस देयर इज अ फियर दैट ऐसा ना हो कि व्यापार बंद हो जाए क्योंकि वो अकेला ही काम कर रहा था. सी सिक्स नंबर पॉइंट, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी. द सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस मे बी एडवर्सली अफेक्टेड. डेथ हो गई, मान लीजिए इनसेनिटी होना माने पागल हो जाना. द सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस मे बी एडवर्सली अफेक्टेड ऑन द डेथ. इनसेनिटी, इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाना, फिजिकल एलिमेंट, हम बीमार हो गए, और बैंकरप्सी माने दिवालिया निकल गया ऑफ द सोल प्रोपराइटर. आफ्टर द एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑल दीज नेगेटिव एक्टिविटीज, वट विल हैपन? इट मे लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस. एज अ रिजल्ट सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी स्टेबल. स्टेबल नहीं है. इफ द सोल प्रोपराइटर हैज सम डिजीज प्रॉब्लम, इफ ही बिकम्स इनसेन, इफ ही बिकम्स बैंकरप्ट, इन दैट केस वट विल हैपन? द बिजनेस विल हैव टू बी शट डाउन, द बिजनेस इज हैव टू बी क्लोज्ड. क्लास 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. नाउ लिसन, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स ऑफ द टेस्ट. सी क्वेश्चन नंबर 1, इट वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी. I gave you four options: production of goods, sale or exchange of goods and services. Third number tha, presence of risk and services. One, it was last one, salary or wages. अब ये देखिए, इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है वो कैरेक्टराइज नहीं करती बिजनेस को, दैट इज सेल, सैलरी और वेजेस. Because they are the part of
प्रोफेशन में रहता है सैलरी एंड वेजेस. सो आंसर वन इज सैलरीज और वेजेस. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. व्हेन आई टेल यू द आंसर्स प्लीज एट दैट टाइम यू शुड हैव ऑल क्वेश्चंस विद यू. क्वेश्चन नंबर टू, इट वाज लिस्ट एनी टू मेजर कमर्शियल सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया. आंसर इज पाटलिपुत्र एंड पेशावर. देयर कैन बी मैनी मोर आंसर. सी टू आई हैव रिटन, दे कैन बी मैनी मोर. जैसे आपके पास में था सूरत था, मथुरा था, उज्जैन था एंड सो ऑन. ओनली टू यू हैड टू राइट. आंसर नंबर टू पाटलिपुत्र एंड पेशावर. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिस्ट द मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया. लिस्ट राइट, इट इज राइट. राइट एनी टू. आपको नाम लिखने थे दो दो, टू फॉर एक्सपोर्ट्स एंड टू फॉर इम्पोर्ट्स. फॉर एक्सपोर्ट्स इट इज स्पाइसिस एंड शुगर. फॉर इम्पोर्ट्स इट इज रूबीज एंड हॉर्सिस. अगेन लिसन, मैंने दो दो एग्जाम्पल्स लिए हैं. दे कैन बी मैनी मोर जो आपकी बुक में गिवन है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज अ हुंडी. आंसर नंबर फोर, अ हुंडी इज अ नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ वुड यू क्लासीफाई बिजनेस एक्टिविटीज. द बिजनेस एक्टिविटीज मे बी क्लासीफाइड इन टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इट इज आंसर नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आंसर नंबर सिक्स, the different types of economic activities are business, employment and profession. After that move on to question number 7. Wait, let me find where is question number 7. Yes, wait. Rima bought a new house recently. She is planning or she plans to shift there in near future. Therefore, she is selling off all her old kitchen items, appliances at OLX. She has also made some profit in this process. And now you have to reply the questions. Will this transaction be constituted as a business activity? Why or why not? Answer number 7, part number 1, no. This transaction will not be constituted as a business activity. As one single transaction of sale or purchase does not constitute business unless it is done or carried out at a regular basis. And now second, what was second answer? Mention the underlying characteristic of business. Yani ki jo aapko is condition mein characteristic samajh mein aayi wo aapko likhni thi. Point number 2 ka now see answer number 2. The underlying characteristic of business is dealings in goods and services on a regular basis. Now move on to question number 8. Question number 8. Now see. Deepak Enterprises Limited has been earning high profits over the years. As a result, its owner, Mr. Deepak or whatever, it is the example that I am giving you, the owner is leading a good standard of life.
एंड मोर ओवर ही प्लान्स टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफिस इन अ फ्यू मंथ्स. एंड नाउ आफ्टर दैट सी टू क्वेश्चंस आई गेव यू. क्वेश्चन नंबर वन इट वॉज आइडेंटिफाई द डिफरेंट पॉइंट्स हाईलाइटिंग द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बींग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ. नाउ लिसन, द डिफरेंट पॉइंट्स हाईलाइटिंग द रोल ऑफ प्रॉफिट इज बींग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ. अब ये देखिए, प्रॉफिट की वजह से ही वो नया अपना एक और ब्रांच खोलेगा, अच्छी लाइफ को वो, अभी देखिए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को वो मेंटेन कर रहा है. द डिफरेंट पॉइंट्स हाईलाइटिंग द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस बींग डिस्कस्ड, इट इज बींग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ. इट इज ए नंबर पर था, देखिए इट इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द बिजनेसमैन. अगेन लिसन, इट इज द सोर्स हाईलाइटिंग द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बींग डिस्कस्ड. कौन से पॉइंट को डिस्कस किया है? ए नंबर, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बिजनेसमैन. बी नंबर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन नीड्स ऑफ बिजनेस. एक्सपेंशन नीड्स माने जब भी आप व्यापार को बढ़ाना चाहेंगे यू विल नीड ओनली मनी, और वो पैसा कहाँ से आएगा? दैट मनी विल कम ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स. सेकेंड नंबर, अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर. Now see answer to yes. I agree with the statement that earning profit cannot be the only objective of business because a business seeks to create a balance between different needs and goals of different interest groups like consumers, employees, societies at large, etc. And what will be the desire of the society? क्या चाहेगी व्यापार से? कि कुछ ऐसा व्यापार ना करे जिससे समाज हमारा खराब हो. कंज्यूमर्स के लिए क्या रहेगा? टू गेट गुड क्वालिटी मटेरियल एट रीजनेबल रेट्स. फॉर एम्प्लॉयज के लिए क्या रहेगा? दैट द इट इज द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू पे देम सैलरी और वेजेस ऑन टाइम. देयरफॉर इट नीड्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स रादर देन परसुइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कि सिर्फ हमारा एक यही फायदा नहीं है कि प्रॉफिट कमाते जाएं थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट शुड नॉट बी. अब नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, हर्षित रन्स अ वेल नोन डिपार्टमेंटल स्टोर इन दिल्ली. He procures different kind of products from all over the country through railways, roadways, airways. He also owns a godown to hold stocks. He has also taken insurance policy. He has taken loan of rupees 2 lakh. He has placed information about his store on the hoardings, billboards, etc. in order to popularize them. See, इसमें question number 1 क्या था? देखिए question number 1 it was what are auxiliaries to trade. Answer number 1, see question number 9 का answer number 1 देखिए. The activities which support trade are known as auxiliaries to trade. Identify the different auxiliaries to trade that are being used by Harshit. The auxiliaries to trade that are being used by Harshit in the business are stated below. It is transport, warehousing, insurance, banking, finance, banking and finance, advertising. Now move on to answer number 10. Question number 10, then we will move on to answer number 10. See,
गुड हेल्थ लिमिटेड इज अ नेम ऑफ रेकॉन विद इन द ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट. द कंपनी इंजॉयज अ 30% मार्केट शेयर इन द सेगमेंट. देन इट इंट्रोड्यूस न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेज ऑफ पीपल. थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सिस वट विल हैपन. इट्स वर्क एफिशेंसी इज हाई. In order to keep the high morale of the managers, various professional programs are organized by the company from time to time. Then they are saying, the question is saying to explain the objectives. देखिए, objective number one, there are social objectives and economic objectives. A number, production and supply of desired quality of goods and services. B number, generating employment opportunities. C number, welfare of employees. D number, community service. E number, growth. F number, profit earning. These all should be the objectives of business. It is answer to the question. Now move on to question number 11. The question number 11 was very much straight. In that you had to reply the types of business and the causes of business risks. Answer number 11, types of business risks. A number, speculative risks. B number, pure risks. Now move on to cause of business risks. A number, natural causes. B number, human causes. C number, economic causes. D number, other causes. Along with this, the solution of the test ends. And listen to your homework. Today I taught you about the sole proprietorship. You will write and learn today's topic and work hard, beta. Thank you so much.